हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू टेरेन क्लासेस। आज जो हम लोग चैप्टर है वो ट्रेन का है, ट्रेन रेलगाड़ी। आप लोग इसमें जान रहे, लॉकडाउन चल रहा है और रेलगाड़ियाँ नहीं से चल पा रही, तो उसी से समय उसी से ट्रेन चलने से पहले पहले ट्रेन कुछ चालू हुई, कुछ नहीं भी चालू हुई है, तो हम लोग ट्रेन के क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। देखिए, ट्रेन के जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सब ट्रिक से सॉल्व होंगे, ना कि एकेडमी मेथड से। एकेडमी मेथड में क्या होता है, ट्रेन के जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को जो कंपटीशन एग्जाम में बैठना होता है तो वहां पर हमें एकेडमी ना मेथड यूज करके ट्रिक मेथड यूज करना पड़ता है। जो हमारे से ट्रिक मेथड यूज कर लेते हैं वो बहुत जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं और अपना पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो आपका भी पेपर क्लियर हो मैं यही आशा करता हूँ। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। देखिए, अब ट्रेन के क्वेश्चनों में तीन चीजों पर वर्क होता है, चाल, दूरी और समय। ट्रेन के क्वेश्चनों में तीन चीजों पर वर्क होता है, चाल, दूरी, समय। इंग्लिश में हम बात करें तो चाल स्पीड हो गई, दूरी आपका डिस्टेंस हो गई, और जो समय वो टाइम हो। तो जनरल से एक हमारा फार्मूला ये भी बनता है, चाल इक्वल दूरी बटे समय। अब देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही फार्मूला यूज हो रहा है। कैसे, सवाल दिया 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में एक बिजली के खंभे को 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर पार कर जाए। मतलब क्वेश्चन में हमें दूरी दी है, हमें चाल दिया है और समय हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे। अब एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, किसी भी नंबर में किलोमीटर पर आवर है, दूरी मीटर में है, तो आप ये मान लीजिए कि समय भी आपका सेकंड में आएगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने क्या किया, 72 मल्टीप्लाई 5/18, दूरी हमें कितनी दी है 200, हमें निकालना है समय, समय को हमने 300 कर लिया, 5 से डिवाइड कर लियो, 5/4 20, 5 × 0। अब 2 से डिवाइड कर लो, 2 × 3 = 6, 7 × 6 12 हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया, 2 × 9 = 18 हो जाएगा, 9 × 9 = 9, 9 × 4 = 36। अब 18 का टेबल अगर आपको लर्न होता तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लेते, 4 से डिवाइड कर दो तो यह 10 आ गया। नहीं, टाइमिंग कितनी लग रही, 10 सेकंड, 10 सेकंड में अपना वर्क कर लेती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलकर 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए, इसे हम लोग करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चनों में एक बात आप ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन में पुल आए और रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाई दी जाए और टाइम और चाल दी जाए, आपसे टाइमिंग पूछी जाए, तो आप कुछ ना करिएगा, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ दीजिएगा और जो चाल है उसका डिवाइड कर दीजिएगा, समय आपको मिल जाएगा। अब हम यूं भी गए कि हम इसी फार्मूले से काउंट ना कर लें, है ना। तो चाल इक्वल दूरी होते समय होता, चाल में कितनी दी 30 और दूरियां दो है, एक दूरी एक एक है रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी क्या पुल की लंबाई, 270 प्लस 180 समय में निकालना है, इनको ऐड कर दीजिए, तो 30 इक्वल 0 0 0 आ गया, 7 ऐड किया तो 15 के 5 कैरी 1, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4 अपॉन 3, 0 0 कैंसिल है, तुम लोग पास क्या है कैंसिल, इसके ऊपर 1 क्या 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 = 3, तो ये 15 आ जाएगा। तो टाइमिंग कितनी लगेगी, 15 सेकंड। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो ट्रेनें हैं, मैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ कि जरूर आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको 100%। दो ट्रेनें हैं जिनमें से प्रत्येक लंबाई 250 मीटर है, मतलब दोनों ट्रेनों जो दो ट्रेन है दोनों की लंबाई 250 मीटर है, मतलब प्रत्येक की, यानी एक ट्रेन की 250 मीटर है, दूसरी ट्रेन की भी 250 मीटर लंबाई है।
आगे क्या कहा, विपरीत दिशा में, मतलब आमने सामने। इस प्रकार जरा फिगर में दिखा देता हूँ आपको, एक ट्रेन ये आ रही है, एक ट्रेन ये आ रही है। तो क्वेश्चन, दोनों की लेंथ कितनी है, 250 मीटर है, कितनी 250 मीटर। फिर उसने कहा दोनों की चाल भी, भाई एक 80 किलोमीटर पर आवर की चाल पे घर कर रही है, यानी ये 80 किलोमीटर पर आवर चाल पे काम कर रही है, और दूसरी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से काम कर रही है। तो ये कहा जा रहा कि वे एक दूसरे को कितने समय के बाद पार कर जाएंगे, कितने समय के बाद पार कर जाएंगे। कभी आपने ट्रेन में अगर सफर किया हो तो आपको देखने को मिलेगा, एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन बगल से आती है। ये तभी होता है जब प्लेटफॉर्म नजदीक आने वाला होता है, तो वहां लाइनें काफी पीछी होती हैं, तब ऐसा देखने को नजारा मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन में आपको कुछ नजारा दिखा रहे हैं ट्रेन का, हमने दो ट्रेनें बनाई हैं। इन ट्रेनों को हम ट्रेन तो नहीं बनाएंगे, एरो बना के आपको समझा रहे हैं। दोनों की जो लंबाई वो 250 से 250 मीटर है, और जो चाल है, गति, स्पीड, एक की 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 70 किलोमीटर पर आवर। अब इस ट्रेन हमारी जो लंबाई है ट्रेनों की, वो जो मीटर में है, और इनकी चाल तो किलोमीटर पर आवर में है। आप चाहे तो यहाँ पर भी आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ इसे आप लास्ट में चेंज कीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होगा। देखिए हम लोग करेंगे क्या, हमें टाइमिंग निकालनी है, तो हमने इक्वल D1 + D2 अपॉन, उसके बाद हम लिखेंगे S1 + S2। D1 D2 कितना 250, D1 है और D2 भी कितना 250, S1 आपका 80 है और S2 कितना 70, तो ये तो 500 हो जाएगा, इसे ऐड करो तो 150 हो जाएगा। अब हमने 150 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दिया, इसमें मीटर पर सेकंड में, तो 5.18 कर लिया हमने। अब 18 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 150 इंटू 5, 0 0 कैंसिल, तुम्हारे बैगों में क्या है कैंसिल। फिर 5 से इसे करके 10 आ गया, फिर 5 से क्या 2 आया, ये 3 आ गया, 3 से किया तो ये 6 आया, 6 2 12 12 सेकंड पे एक दूसरे को पार कर देंगे, 12 सेकंड लगेंगे और एक दूसरे को पार कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि L मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में तथा एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, यानी एक 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, जो एक लंबे प्लेटफॉर्म को, L मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में तथा एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है आपको। तो इससे आप कुछ ना करिएगा, आपको रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो आप क्या करेंगे, आपको लंबाई निकालनी है, तो लंबाई हमने L से शो कर लिया, T1P यात्री हमारी T1P अपॉन T2 - T1। देखिए P क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, T1 क्या है 25, 25 × 100 अपॉन, समय दो है ना, एक 15 एक 25 है, एक 15 एक 25 है, तो हमारा T1 जो छोटा समय होगा, चाहे वो बाहर निकले लिखा, वो हमारा T1 होगा। तो 25 - 15 तो आपका आ जाएगा 15 × 100 अपॉन 25 से 15 सप्ते करिए कितना आपका आएगा 10 आएगा, 0 0 पेंसिल, और तुम लोगों के बैगों में क्या है पेंसिल, 15 और 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 150 आपका क्या आ जाएगा सेकंड। यह आपका क्वेश्चन क्या आ गया आंसर, ये आपका मीटर में सेकंड को लंबाई निकाली ना, तो मीटर में आएगी लंबाई, ये आपका आंसर आएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको भी एग्जाम थे कंप्लीशन का, तो इन क्वेश्चन को जरूर एक बार देखें। आप हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।